स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चौरहे। शुरुआत करते हैं हरियाणा से जुड़ी एक बेहद अहम खबर से। पिछले एक हफ्ते से जारी जाट आंदोलन अब जल्द खत्म हो सकता है। हालात के बिगड़ने के बाद दिल्ली में जाट नेताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की है और बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि हरियाणा में विधानसभा सत्र बुलाकर जाटों को आरक्षण देने का बिल पास कराया जाएगा। साथ ही साथ केंद्र में आरक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता एक केंद्रीय मंत्री करेगा। कमेटी ये देखेगी कि आरक्षण किस तरह से दिया जाए। विधानसभा के इसी सत्र में मिलेगा, कमेटी बनेगी जो केंद्र में जाट आरक्षण पर निर्णय लेगी। दोनों चीजों में सरकार सहमत है, जाटों को आरक्षण हरियाणा में इसी सत्र में मिलेगा। सैनी के मुद्दे पे सैनी को नोटिस दिया जा चुका है, कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। और देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक के बाद जाट नेताओं ने संतुष्टि जाहिर की है, मगर आंदोलन खत्म करने का अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। जाट आगे किस ऐलान के लिए अब इंतजार कर रहे हैं कि कमेटी के गठन के बाद ही वो इस तरह का कोई ऐलान कर सकेंगे। उन्होंने ये कहा कि आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको सेंटर में आरक्षण मिलेगा जाटों को और स्टेट में आरक्षण मिलकर रहेगा, जैसे आप चाहते वैसे होगा। लेकिन क्योंकि ये प्रतिक्रिया है, सेशन बुलाना पड़ेगा विधानसभा का और लोकसभा का, तो इसमें टेक सम टाइम, लेकिन वो पक्का करेंगे। तो हरियाणा में इस प्रकार की आग लगी है, ये राजकुमार सैनी ने गलत बयानबाजी करके एक जहर घोला है और जाट कम्युनिटी की यही एक मांग है आरक्षण के साथ साथ राजकुमार सैनी को बीजेपी से बाहर किया जाए। लेकिन इससे पहले हरियाणा की सड़कों पर पूरे दिन बवाल देखने को मिला है। जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने यहां हड़दंग किया, हंगामा किया। रोहतक में तो उत्पात मचाने का एक ऐसा ही मामला कैमरे में भी कैद हुआ है और प्रदर्शन के नाम पर यहां जमकर उत्पात मचाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। रोहतक में दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई है, बाहर लगे बोर्ड को भी उखाड़कर फेंक दिया गया। आरक्षण के आंदोलन के नाम पर जमकर उत्पात किया इन प्रदर्शनकारियों ने, और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह सड़कों पर प्रदर्शनकारी इस तरह से आतंक मचा रहे हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा के चलते अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 150 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। हिंसा पर काबू पाने के लिए हरियाणा के 9 जिलों में सेना लगा दी गई है। इस बीच दिल्ली वाले भी अब मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जाटों ने अब दिल्ली का पानी भी रोक दिया है। एक हफ्ता बीत चुका है और हरियाणा से दिन ब दिन जाट आंदोलन की डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कहीं आगजनी, कहीं हंगामा और कहीं सड़कों पर जाम। जाटों ने मानो आरक्षण हासिल करने के लिए पूरे हरियाणा को हाईजैक कर लिया है। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि 6 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। सबसे ज्यादा बुरा हाल रोहतक जिले का है। यहां आंदोलनकारियों की आड़ में भीड़ में घुसे असामाजिक तत्वों ने शनिवार रात दुकानों में लूटपाट की और आग लगा दी। शहर में तनाव और दहशत का माहौल है। करनाल में यूपी से लगती सीमा पर जाट आंदोलनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और पुलिस वालों पर पथराव भी किया। जींद में आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारी सड़कों पर डट गए, जिससे वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। उधर कैथल में हालात काबू करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। यहां भी जाट आंदोलन की वजह से हालात ठीक नहीं है। हिसार में शनिवार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहा, जिसके बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई। हर चौक पर सेना तैनात है। हिसार में 18 जगहों पर जाट आंदोलनकारियों ने जाम लगाया हुआ है। कुल मिलाकर हरियाणा के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। रोहतक, भिवानी, झज्जर, जींद, हिसार और सोनीपत जिलों में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। जाट आंदोलन की वजह से सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात बेहद खराब हैं और सरकार जाटों को लगातार भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है। घर वापस चले जाएं, हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं। बहुत नुकसान हो चुका, बहुत जान माल की हानि हुई है, सब लोग अपने हैं। जाट आरक्षण निश्चित रूप से मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। फिलहाल हरियाणा से हिंसा की खबरें नहीं आ रही हैं। हालात काबू करने के लिए हरियाणा के तनावग्रस्त इलाकों में 69 कॉलम सेना तैनात की गई है। पुलिस के मुताबिक 45 उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस बीच जींद में उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप चला दिया। आग हरियाणा में लगी है, मगर इसकी आंच से दिल्ली भी नहीं बच पाई है। मुनक नहर पर जाटों के कब्जे की वजह से दिल्ली वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में पानी की कटौती शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो पानी बचा है वो दिल्ली वालों में बराबर बांटा जाएगा।
मुनक नहर के गेट बंद करने की वजह से राजधानी के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैदरपुर, वजीराबाद, चंद्रावल, नांगलोई, बवाना, द्वारका और ओखला बंद कर दिए गए हैं। हालात से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। सोमवार को होने वाली परीक्षाएं और दाखिले जैसी प्रक्रिया टाल दी गई है। राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सैन्य संस्थानों और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी वीआईपी के घर भी कटौती की जाएगी। पानी को बचा के रखें जितना ज्यादा बचा सकते हैं, क्योंकि इसी पानी में अपने को हो सकता है, अगर समाधान तुरंत भी निकल आए तो 1-2 दिन हो सकता है कि इसी पानी में अपने को गुजारा करना पड़े। हरियाणा के जाट आंदोलन पर राजनीति भी जमकर हो रही है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किसी तरह खत्म करवाने की कोशिश हो रही है, मगर जाट है कि मानने को तैयार नहीं। इस बीच यूपी में भारतीय किसान यूनियन भी जाटों के समर्थन में आ गई है। अगर जल्द सरकार ने कोई सहमति नहीं बनाई तो हालात बदतर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लेकिन इस जाट आरक्षण को लेकर जिस तरह से हरियाणा में बवाल मचा हुआ है, उसके बाद बाबा रामदेव समेत तमाम हस्तियों ने हिंसा न फैलाने की भी अपील की है। इन हस्तियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और जाटों से आंदोलन जल्द खत्म करने की भी अपील की है। हमने अपनों से लड़ते हुए नहीं दी थी, तो इस बात का सब ध्यान करेंगे और जिस तरह से हरियाणा जल रहा है, इस आग को बुझाने के लिए जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी विवेकशील लोग हैं, उन सब से मेरा आह्वान है कि सब मिलजुल करके रास्ता निकालें। और जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप आंदोलन के स्वरूप को थोड़ा बदलिए, इसमें किसी भी तरह से आगजनी नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ तोड़फोड़ बंद करो, देश में आग लगाना बंद करो। ये तुम्हारे पर देश की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे पड़ोसियों की प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारे ही भाई मर रहे हैं। हिंसा से इसका कोई हल नहीं हो सकता, बातचीत से ही इसका हल हो सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में आतंकियों से मुठभेड़ में लगातार जारी है और मुठभेड़ के दौरान जमकर फायरिंग भी हो रही है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 1 नागरिक को भी इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं इस हमले में CRPF के 10 से भी ज्यादा जवान घायल हो गए हैं। शहीद हुए कैप्टन पवन कुमार हरियाणा के जींद के रहने वाले थे। उनकी शहादत पर उनके परिवार को भी फख्र है। बिल्डिंग से निकलती हुई आग की लपटें और धुएं का गुबार, ये तस्वीरें पंपोर में बने उद्यमी विकास संस्थान की है। जहां शनिवार की शाम से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। दरअसल आतंकियों ने पहले जम्मू से श्रीनगर आ रहे CRPF काफिले पर हमला किया और हमला करने के बाद आतंकी उद्यमी विकास संस्थान की बिल्डिंग में जा छुपे। फौरन CRPF के जवानों ने चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर लिया और आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान इमारत में धमाका हुआ और आग लग गई। 24 घंटे से ज्यादा यहां पांपोर में सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच अभी भी गोलीबारी जारी है और इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस बस को मिलिटेंट्स ने निशाना सबसे पहले बनाया, जो कि CRPF काफिले में गाड़ी थी और जिसमें CRPF के जवान थे। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि गोलियों से क्या हाल हुआ है उस बस का, और जो इस बस का चालक है उसकी भी घटनास्थल पर ही मौत हुई और 11 के करीब जो जवान है वो जख्मी हुए। बताया जा रहा है आतंकी इस इमारत में छुपे हुए हैं और रुक रुक कर जवानों पर फायरिंग कर रहे हैं। आतंकियों से चल रहे एनकाउंटर में अब तक कैप्टन पवन समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। जवानों की शहादत पर सेना के अधिकारियों ने उनके जज्बे को सलाम किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। As you can see in the background, there is a heavy exchange of fire is still going on. Operation is on and we are just trying to neutralize the militants with very little collateral damage to the building. आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए कैप्टन पवन खटकर हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले थे। महज 23 साल के पवन कुमार 25 साल पहले देश की सेवा का जज्बा लेते हुए सेना में भर्ती हुए थे और परिवार में इकलौते थे।
कैप्टन पवन की शहादत की खबर जैसे ही परिवार को लगी तो अर्बन स्टेट स्थित उनके घर लोगों का तांता लग गया। परिवार बेटे की मौत पर सदमे में तो है पर अपने इकलौते बेटे की शहादत पर गर्व भी है। मैं गर्व साथी जब पूरी गर्व है मेरे, मेरा बेटा शहीद हुआ है, अकेलौता बच्चा था मेरा, हाँ एक ही था, अगर देश की सेवा करेगा लेकिन उसने पूरा काम किया अपना, मेरे से गर्व है। आपको बता दें कल शाम को आतंकियों ने जम्मू से श्रीनगर आ रहे सीआरपीएफ काफिले पर हमला कर दिया था। आतंकियों ने यह हमला पंपोर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर किया। हमले के बाद आतंकी पास की 3 इमारतों में घुस गए जिसके बाद इन इमारतों में से 100 से अधिक कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि आतंकी हमले में अब तक 4 जवान शहीद हुए हैं और 10 जवान घायल हैं। हमले में एक नागरिक की भी मौत हो गई है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर का हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से जहां पर एक डॉक्टर और उसके स्टाफ से मारपीट का मामला सामने आया है और ये मारपीट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर हंगामा हो रहा है। घटना कैंट थाना के रीड साहब धर्मशाला की है जहां डॉक्टर सीएन द्विवेदी के क्लिनिक में कुछ लोग घुस आए और स्टाफ के साथ मारपीट करने लगे। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन के पैसे मांगने की वजह से विवाद शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। मुंबई से सटे उल्लासनगर महापालिका मुख्यालय में खड़ी जनसंपर्क अधिकारी युवराज भदानी की गाड़ी में 2 लोगों ने आग लगा दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 शख्स गाड़ी के नजदीक आते हैं और उससे आग लगा देते हैं। हालांकि ये दोनों लोग हेलमेट पहने हुए थे। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है। और ये तस्वीर जब उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी की गाड़ी में लोग आग लगा देते हैं। हालांकि आग लगाने वाले हेलमेट पहने हुए थे और कुछ लोग और आसपास देखे जा सकते हैं। देश दिनभर में फिलहाल इतना ही।